अजमेर के मदनगंज किशनगढ़ निवासी पीड़ित पति राजू कोरानी निवासी सिद्धि विनायक कॉलोनी खोड़ा गणेश रोड मदनगंज किशनगढ़ ने पुलिस थाना मदनगंज पर अपने वकील पंडित रूपेश शर्मा एडवोकेट के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि अजमेर निवासी दलाल नरेश सिंधी ने परिवादी राजू कोरानी और उसके घर वालों से संपर्क कर बताया कि अजमेर की हमारी समाज की लड़की है जो कि कुंवारी है और सामाजिक रीति रिवाज से विवाह करवा देंगे। तत्पश्चात दलाल नरेश सिंधी ने परिवादी एवं उसके घर वालों से 1,00,000 रुपए लिए और 19 को अजमेर फाय सागर रोड जगदम्बा कॉलोनी निवासी सोनिया उर्फ द्रौपदी पुत्री परसाराम से परिवादी का विवाह करवा दिया। शादी के 11 दिन बाद ही दिनांक 1 अगस्त 2023 को सोनिया उर्फ द्रौपदी अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर घर से 45,000 रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात अपने साथ ले गई। बाद में परिवादी को मालूमात हुआ कि सोनिया उर्फ द्रौपदी पहले से शादीशुदा है और मां भी बीमार नहीं थी। जब परिवादी लेने गया तो आने से मना कर दिया तथा ब्लैकमेल करने लगी। परिवादी ने बताया कि उसे जानकारी मिली कि सोनिया उर्फ द्रौपदी ने पहले 3 शादियां की है जहां से भी सोने चांदी के जेवरात चुरा कर फरार हो गई। राजू कोरानी ने अपनी पत्नी सहित दलाल नरेश सिंधी एवं टिकम लता नेहा कविता सहयोगी पर भी पुलिस थाना मदनगंज पर मुकदमा दर्ज कराया जिसे दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। सर मेरी शादी के लिए इन्होंने मतलब ना जो सिंधी समाज है हमारा उसके अंदर मतलब इन्होंने अपलोड किया था तो मेरी शादी का तो एक दलाल का हमारे पास में फोन आया था। दलाल का फोन आया था तो उन्होंने बोला कि अजमेर की लड़की है, बढ़िया है, कुंवारी है, ठीक है, और उसकी उम्र बड़ी है। उम्र बड़ी है यानी मेरी मेरी एज की है। तो उन्होंने बोला कि लड़की बहुत अच्छी है, पहले शादी करना नहीं चाहती थी, अब वो शादी करने के तैयार है। तब हमने लड़की देखी, लड़की हमारे को पसंद आई। पसंद आने के बाद में दलाल ने, दो दलाल थे जिसके अंदर उन्होंने मतलब 1,00,000 रुपये लिए हम लोगों से। और लेने के बाद में ये बताया कि ये जो लड़की है और वो दलाल उसका मामा निकला, ठीक है। और उसके बाद में ये लड़की आई और मतलब है ना 11 दिन रही थी। 11 दिन के बाद में ये लोग मतलब बोले कि मेरे मम्मी की तबीयत खराब है, इसके भाई का फोन आया था तो ये गए वहाँ पे। तो मेरे मम्मी से बोले कि आंटी कुछ पैसे वैसे की मदद हो सकती है, इसके भाई बोला। तो मम्मी ने बोला भाई कितने चाहिए, और मैंने ही पूछा कितने चाहिए तो उन्होंने बोला 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपये इमरजेंसी में हमारे पास थे नहीं, तो उसके बाद में हम लोगों ने 45,000 रुपये एडजस्ट करके और मैंने उसको दिए और यहाँ से गोल्ड वगैरह पहन के गई और मैं खुद छोड़ने गया था उसको। और जब मैं लेने गया था तब उसके बाद में मतलब वो कहती है कि मतलब मैं नहीं आऊँगी और मतलब मेरे को ऐसा वैसा मतलब क्या बहुत मतलब अनशन बोल गया उसको। उसने मतलब उसके भाई मुझे बोलता है कि तू नाम मर जाए, ये है वो है। इन्होंने गाली गलौज करी थी बहुत, ठीक है, गाली गलौज की थी। गाली गलौज करने के बाद में मतलब बहन को गाली दे रहा है, मम्मी को गाली दे रहा है और मतलब ना भाभी को भी गाली दे रहा है। शादी कितने तारीख को हुई थी? शादी हुई थी मतलब इसी मतलब 19 तारीख को। कितने दिन तक रही थी आप? ये 11 दिन तक रही थी सर। कितने रुपए लेके गई वो? 45,000 रुपये नगद है, 2 चूड़ी है, 1 मंगलसूत्र है और 1 उसने कानों के पहन रखे थे, ठीक है, और बिछुड़ी है और मतलब ये 5 जब है। अच्छा, उसकी पहले कहीं पे शादी हो रखी थी? इसकी 2 शादी ऑलरेडी हुई हुई थी, जिन्होंने हमारे को बताया नहीं, इन लोगों ने पहले कि हमारी शादी हुई भी नहीं है, ठीक है। ये बाद में पता पड़ा जब इसका आधार कार्ड हमारे पास में आया ना, तो इसके आधार कार्ड में पति का जो नाम है वो मतलब जुड़ा हुआ था। दलाल का नाम है? दलाल का नाम था नरेश। मेरा नाम राजू कोरानी। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।